दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। इस बुक की कीमत जो है वो सिर्फ 35 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 4,000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन विथ ट्रिक एंड हिंट्स हैं। फ्री मॉक टेस्ट होगा, जो इसके अंदर ही है। 20 टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। ये एल बुक पब्लिशर की तरफ से ये बुक छापी गई है और ये ई बुक है। इसके लिए आपको जो है कोई बुक नहीं खरीदनी है, वो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ई बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है। आप उस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में किसी तरह से दिक्कत आ रही है, पेमेंट कट गया और पैसे लग गए आपके और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप इनको कांटेक्ट करेंगे, आपको ये डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम से ये क्वेश्चन पेपर जो इसमें कलेक्ट करवाया गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो सारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सिलेबस वाइज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र के लिए पूरा, जिसमें 4,000 क्वेश्चन एंड आंसर है। वेलकम टू एडिजोस, एडिजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मार्च महीने में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर सारे वन लाइनर प्रश्न जो है यहाँ पर बताए जाएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। उसके बाद आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है। तो ये मिला है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ये आप कह सकते हैं एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2019, यानी 2019 का एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और ये एक कंपनी है स्काई ट्रैक्स एक कंपनी है, उसने जो है ये सर्वे किया था। 100 हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो नंबर मिला है वो 59वां, यानी 59वें नंबर पर है आईजीआई एयरपोर्ट, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है। तो ये ओस्लो बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फिल्म फेयर पुरस्कार 2019, जो कि 64वां फिल्म फेयर अवार्ड है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला ये पूछा गया। तो आलिया भट्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 है, और इसके अंदर इसको किस फिल्म के लिए मिला है, राजी फिल्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 है, जो कि 64वां फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, रणबीर कपूर को दिया गया है और इनकी मूवी संजू के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस देश ने मृत सागर के नज़दीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की है। तो ये इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है WHO के मुताबिक, यानी WHO का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 4500 लोगों की मौत होती है और 30,000 लोग प्रतिदिन इस बीमारी की चपेट में आते हैं। तो इस बीमारी का नाम है टीबी, और जिसको कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस, या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं क्षय रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसे हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। पीटर ताबिची को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा तोप हाल ही में भारतीय सेना के अंदर शामिल किया गया है। तो इस तोप का नाम है धनुष, जो कि भारतीय सेना के अंदर रिसेंटली शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थान बताना आपको विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में जो है भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 76वां है, 76 पोजीशन पर है इस इंडेक्स में भारत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास किया गया, तो ये श्रीलंका के साथ किया गया, यानी भारत और श्रीलंका के बीच अभी रिसेंटली जो 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वह भारतीय युवा जोड़ी जिसने 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, 10वीं 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में,
बारहवीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप थी ये, और इसमें जीता है मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। किस मिशन के तहत, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस मिशन के तहत भारत द्वारा लाइव सैटेलाइट को मार गिराने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका जो नाम है मिशन शक्ति, इसका जो है उल्लेख रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्विटर पर जानकारी दी थी कि 12 बजे मैं इस पूरा एक नया संदेश लेकर आ रहा हूँ, और वो यही था। इस संदेश को जो है पीएम मोदी ने बताया था कि हम जो है भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो कि इस तरह की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि लाइव सैटेलाइट को मार सकता है। अगर आपके सीमा के अंदर आ रहा है तो अंतरिक्ष में भी हम उस सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं, जो कि यहाँ पर भारत, इससे पहले 3 देश जो है वो ये कारनामा कर चुके हैं। उनका नाम भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि रूस, उसके बाद अमेरिका और फिर चाइना। तो ये 3 देश थे, इसके बाद चौथा नंबर जो है वो भारत का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह आईआईटी जिसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता वाली एक तकनीक विकसित की है जिससे चंद सेकंड में ही मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियों की जांच हो सकती है। तो ये आईआईटी दिल्ली के जो है सो ऐसा किया, आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया है? क्रोएशिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार साल 2018 के दौरान किस देश में 105 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुआ? तो ये भारत में हुआ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में कितने मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ? तो आपको याद रखना है 105 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह राज्य जहाँ देश की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा क्रेम लाडा, ठीक है, की खोज की गई है। तो क्रेम लाडा की जो खोज की गई है, इसलिए आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है? मेघालय में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसे हाल ही में BCCI का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है? तो BCCI का नैतिकता अधिकारी DK जैन को बनाया गया है, और लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान हिमाचल का यह गांव विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। तो ये गांव का नाम आपको बताना है ताशीगंग। ठीक है, ताशीगंग हिमाचल का है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वह भारतीय मोटर कंपनी जिसने हाल ही में एक साल में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में अमेरिका ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है ऑरोरा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा ये विकसित किया जाएगा और इसका नाम रखा गया है ऑरोरा, जो कि सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्र सरकार ने किसे अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? यानी अब जो नौसेना प्रमुख होंगे 31 मई को जो है, जो वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं वो रिटायर कर जाएंगे, तो उनके बाद जो नए जो सेना प्रमुख बनेंगे, नौसेना प्रमुख, वो बनेंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई के बाद। आपको याद रखना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने मार्च 2019 में किस राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने का निर्देश दिया है? तो बिहार राज्य को यह निर्देश दिया है कि आपको जो है राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में किस पायदान पर पहुंच गया है? तो भारत 140वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी इसका जो इंडेक्स होगा इसमें भारत जो है 140 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कॉफ़ी की कितनी किस्मों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो भारत की 5 किस्म जो है वो कॉफ़ी की, इनको GI टैग मिला है। ठीक है, GI टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए यहाँ पर जिन जिन किस्मों को मिला है, यानी कॉफ़ी की जो भी किस्म है जिनको मिला है, वो यहाँ पर नाम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वायानाड रोबस्टा कॉफ़ी पहला किस्म है जिसको मिला है, और ये केरल के वायानाड जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको मिला है। दूसरा जो कॉफ़ी का प्रकार है
वो इस तरह से है, जैसे कुर्ग अराबिका कॉफी, ये कर्नाटक के कोडागु जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बाबा बुदन गिरीज अराबिका कॉफी, ये भारत में कॉफी के उद्गम स्थल में उगाई जाती है और यह क्षेत्र जो है वो चिकमंगलूर जिले में के मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है चिकमगलूर अराबिका कॉफी, ये जो है कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में है, ये वही चिकमगलूर है और ये कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट जो पांचवी तरह की जो कॉफी है उसका नाम है अराकू वैली अराबिका कॉफी, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में और ओडिशा क्षेत्र की पहाड़ियों में, यानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसे हाल ही में देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। उसके बाद यहाँ पर है, जिम्बाब्वे में हाल ही में किस चक्रवात से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक दोनों जगह पर आई है, क्योंकि दोनों देश ये आपस में सटे हैं और इस बॉर्डर पर जो है ये जो है इस देखने को मिला है, तो बॉर्डर के एरिया में मिला है, तो दोनों देश में जो है ये चक्रवात आया था, इडाई चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 के ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से विश्व में सबसे महंगा शहर है, तो यह है पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में किफायती मकानों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का अनुमोदन किया गया है, तो 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के निधन के बाद किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर पारिकर के निधन के बाद। उसके बाद है, यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में जारी की गई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, तो ये श्रीलंका का। नेक्स्ट यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया है, तो योनो कैश लॉन्च करने वाले बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के 21 शहरों में ई किसान भवन बनाने के लिए योजना एवं विकास विभाग ने कितने करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, 10 करोड़ रुपए। 21 शहरों में ई किसान भवन बनाया जाएगा और उसके लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में के इरफान रमजान शेख को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये किया है शौर्य चक्र से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नूर सुल्तान नजरबायेव। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो मिजोरम के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों जो कि PSU और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों को कितनी लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी गई है, 20 लाख रुपए तक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में बक्सर जो कि बिहार में है, बक्सर के चौसा में 660 और 660 मेगावाट के कितने ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, तो 2 ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर है, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6434 करोड़ यानी 6434 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो ये वर्ष 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई है, ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई है युवा श्री अर्पण योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पनबिजली योजना जो है परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है, तो जम्मू कश्मीर में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कीरू पनबिजली परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है, अराता इसोजाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस देश के साथ भारत ने 10 साल के लिए पनडुब्बी लेने हेतु $3 अरब का समझौता किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके सामने रूस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में प्रथम स्थान मिला है, ये मिला है इंदौर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने GPS स्टेशन की स्थापना की है, तो पूरे देश में 22 GPS स्टेशन की स्थापना की गई है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है कि सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या फिर 1,06,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, तो ये रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए
के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा, तो ये मुंबई में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार किस राशि का सिक्का जारी किया गया है? 20 रुपये का सिक्का जो है वो पहली बार जारी किया गया है, और इसको जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया कॉमन मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है वन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोगों की मौत हो जाती है? तो हर घंटे लगभग 800 लोगों की मौत होती है प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने का कर दिया है? 3 महीने। यानी अब जो पाकिस्तानियों को अमेरिका वीजा देगा उसकी अवधि 5 साल ना हो करके अब सिर्फ 3 महीना रहेगी, पहले ये 5 साल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये असम में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है? हसमुख अढ़िया को। ठीक है, इससे पहले ये भारत सरकार में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे हसमुख अढ़िया, और ये रिटायर जब हो गए तो उसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया यानी शुरुआत की? तो गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उससे पहले उनको जो है वो कुछ रुपए जो है प्रतिवर्ष जो है जमा करने होते हैं, तो वो जैसे ही उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी उसके बाद से उनको पेंशन मिलने लगेगी 3,000 रुपये। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने के लिए जो उम्र सीमा है वो मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष अगर किन्हीं की उम्र हो गई, 40 वर्ष तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा आपकी उम्र है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में अदानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है युविका। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, युवक युविका कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया है? तो ये इसरो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार किसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? तो ये गुरुग्राम, ये इसका पुराना नाम गुड़गांव था जो कि हरियाणा में आता है। ठीक है, तो इसको जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का कौन सा शहर है जहाँ AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस द्वारा मिलकर एक उपक्रम आरंभ किया गया है? तो ये अमेठी में स्टार्ट किया गया है। इससे पहले AK-47 बनाया जाता था यहाँ, और अब जो है AK-203 भी भारत में बनाया जाएगा जो कि अमेठी में इसकी फैक्ट्री स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना का आरंभ कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पी के बेजबरुआ को चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको NGT कहते हैं, इसके द्वारा किस राज्य में पावर प्लांट को लेकर अदानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के पावर प्लांट को लेकर जो है 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करने के साथ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रेस वॉकर KT इरफान। ठीक है, KT इरफान जो है वो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनको पद्म भूषण दिया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। नाम हो गया इनका, वैज्ञानिक है ये नंबी नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव से कितने समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया है? 49 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण की दर क्या है? तो ये दर है 34.7%। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर कौन है? तो विराट कोहली आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है। उसके बाद है, आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है मनोहर पारिकर। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह देश जिसको पहली बार 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी मिली है? तो भारत को इसकी मंजूरी मिली है, यानी भारत इसका आयोजन करेगा। ठीक है, पहली बार 2020 में इसका आयोजन होगा अंडर 17 महिला विश्व कप का। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले कितने गैर अनुसूचित दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य में 87% तक की कमी कर दी है? तो ऐसे 390 दवाई हैं, इनकी लिस्ट जो है 390 दवाइयों की, इन पर 87% जो है वो उनकी मूल्यों में कमी कर दी गए, खुदरा मूल्य में, यानी रिटेल में जो बिकती है दवाई, इनके मूल्यों में 87% तक की कमी कर दी गई है। और ये सभी बीमारी, ये जो कैंसर की बीमारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है ये सभी दवाई, तो इसलिए इनका जो है प्राइस कम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने टीवी सिनेमा स्पॉट का श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने यह अवार्ड जीता है, किस क्षेत्र में? टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में। तो ये प्रथम पुरस्कार मिला है बर्लिन में, भारत के पर्यटन मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है, किस गाइडेड रॉकेट प्रणाली का भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? पिनाक इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह देश जिसने 2014-18 के दौरान सबसे अधिक हथियार आयात किए हैं? सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं 2014 से लेकर 2018 के दौरान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कला क्षेत्र से जुड़ी किन शख्सियत को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो तीजन बाई को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $137 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, किस विमान को भारत सहित 45 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो इस विमान का नाम है बोइंग 737 मैक्स मैक्स 8। ठीक है, बोइंग 737 मैक्स 8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? सी लाल सावता को मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस संगठन ने हाल ही में युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है? तो ये नाम है DRDO। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस IIT संस्थान के लिए स्पार्क योजना के तहत 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है? IIT मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है? तो IIT खड़गपुर ने ऐसा किया है। और अगला क्वेश्चन है, चीन और किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है? तो ये नाम है पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन और पाकिस्तान यहाँ पर मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान को जो है वो अपग्रेड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है, जिसमें 250 से ज़्यादा कब्रें हैं? तो ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है अल नागा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दक्षिण भारत का वह स्थान जहाँ की हल्दी को GI टैग मिला है? तो ये मिला है इरोड। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों द्वारा इंडोनेशिया के एक द्वीप में खोजी गई बीटल्स की प्रजातियों की संख्या कितनी है? 103। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में
किस जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है मेंढक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस देश ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल क्वाइन जारी किया है? ब्रिटेन ने किया है ब्लैक होल क्वाइन, और ये स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सुरक्षा नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है? अमेरिका ने भारत के साथ ये फैसला किया है कि भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे, और ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक कितने लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है? 6 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए जिनमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकार किया गया है? तो ये नाम है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है? तो ये चाइना ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में BCCI का द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, श्रीसंत पर लगाया गया था, BCCI द्वारा ये आरोप लगाया गया था, और इस पर ये जो है कुछ आरोप लगे थे जिसकी वजह से इन पर जो बैन लगा था IPL स्पॉट फिक्सिंग का करने की वजह से, इस पर जो प्रतिबंध लगा आजीवन, वो प्रतिबंध हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की सरकारी बीमा कंपनी LIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? MR कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है LIC का, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है? GEO 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला किया और 49 लोगों की इस घटना में मौत हुई? तो न्यूजीलैंड में ये हमला हुआ था। नेक्स्ट है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक घोषित किया है? IDBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो वेस्ट नील वायरस का जो पहला मामला आया है वो केरल में आया है। उसके बाद है, चुनाव आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो ये 7 चरणों में होगा। उसके बाद यहाँ पर है, किस राज्य में राज्यपाल द्वारा हाल ही में OBC को 27% आरक्षण देने का जो है वो फैसला किया गया, यानी दे दिया गया आरक्षण? मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में मंजूर की गई सूरत मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? यानी सूरत में अब मेट्रो रेल जो स्टार्ट होगी तो उस परियोजना में कितनी लागत लगेगी, इसका अनुमान बताना है आपको। तो अनुमानित लागत जो है वो 12,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस जापानी महिला को 116 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है? इनका नाम है काने तकाना। ठीक है, और ये जापान की है। उसके बाद है, किन्हें हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? मोहम्मद शतीह को जो है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। उसके बाद यहाँ पर भारत का वह स्थान जहाँ मिलने वाले मड़ियूर गुड़ को हाल ही में GI टैग मिला है, तो ये इडुक्की मड़ियूर गुड़ है, इनको GI टैग मिला है, और ये कहाँ है? केरल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए 7 चरणों में अप्रैल से मई के बीच जो है वो चुनाव कराया जाएगा? 543 सीटों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 समाप्त हुआ? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये समाप्त हुआ है। तो ये थी मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।